तीन महीने, ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया लेकिन जनवरी अभी बाकी है, तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे पीते रहिए और अगले साल का याद रखिए नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये तीन महीने पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है और अगले सालों की गारंटी, हार्ट अटैक फ्री। जहां जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन सकता है। आप गुड़ बनाने वाले को बस संपर्क कर लीजिए कि देख भाई तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, लगे तो 2 रुपए किलो ज्यादा ले लेना। तो वो जो 2 रुपए किलो का लालच है वो ही उसको ईमानदार बना देगा। आप ले लो उससे, वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपए किलो, आपको मैं 17 रुपए किलो ले लूंगा, तुम इसमें ये जहर मत डालना। और वो 2 रुपए किलो आपने जो ज्यादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई घटिया सौदा नहीं है, बहुत फायदे का सौदा है। तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की, लाखों की संख्या में है, गांव गांव में है। आप उनसे संपर्क कर लीजिए और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजिए। आपके आपस में सब लोगों को, जितने कम से कम 500-700 लोग यहां बैठे हैं, इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है, जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध हो सकता है। तो ये मत कहिए कि मिलता नहीं, हर चीज इस देश में मिलती है, छोटे छोटे गांव में भी उपलब्ध है। कुछ लोग गुड़ खाइए, कुछ लोग काकवी खाइए, माने जिसको राब कहते हैं। जितना जाड़े का समय है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक राब भरपूर खा सकते हैं। दही में राब खाइए, दूध में राब खाइए, हलवा राब का बनाइए, गुड़ का हलवा बनाइए, गुड़ दही में खाइए, गुड़ दूध में खाइए। अब गुड़ को दूध और दही में खाने का नियम है वो बागवत जी कहते हैं। वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए, दही में मिला के गुड़ खाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दही में मिला के खाइए। तो दूध में कैसे खाएंगे जी? दूध में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजिए पीछे से दूध पी लीजिए, या दूध पी लिया पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए। दूध में गुड़ मिला नहीं सकते और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाइए। आप में से कोई बिहार वाले हैं ना, तो वहां पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है, उसका नाम है दही चूड़ा। दही चूड़ा ही कहते हैं, चूड़ा। ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अद्भुत है जो दुनिया में शायद कहीं ना हो। मिथिला में, मिथिला माने एक एरिया है बिहार का, करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं। उन जिलों में जब भी आप जाएं तो मेहमान को वही परोस के लाते हैं, तो मैं भी मेहमान जैसा ही रहता हूं, तो मुझे हर घर में दही चूड़ा मिलता है। तो वो दही डाल के लाते हैं, ऊपर से गुड़ डाल के लाते हैं, दही के ऊपर गुड़ रहेगा। तो मैंने कई बार कहा कि अलग प्लेट में गुड़ ले आओ, तो वो कहते नहीं नहीं आपको फिर खाना नहीं आता दही चूड़ा। तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था, अब जब ये मुझे पता चला बागभट्ट चिकित्सा का, तब मेरी अकल में आया कि वो सब बागभट्ट के चेले हैं, दही में गुड़ मिला के पहले से ही चिवड़ा पे रख के लाते। तो दही में गुड़ मिला के ही खाइए, अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड़ मिला के ही खाइए, तो दही के कई दोष जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खत्म हो जाते हैं। और दूध में गुड़ कभी भी मत मिलाइए। एक जगह तो वो ये कहते हैं कि दूध खाली पी लीजिए, गुड़ आगे पीछे खा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में। गुड़ का तिल का प्रिपरेशन एक है, तिलपट्टी कहते हैं, गजक गजक। तो भरपूर गजक खाइए। क्यों खाइए जी? तिल है और गुड़ है, गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक, तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में है। तिल भी क्षारीय है, गुड़ भी क्षारीय है, और दोनों क्षारीय चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेगी। तो तिल गुड़ रोज खाइए, माने तिल की पट्टी बनाइए, गजक बनाइए, नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ बनाइए। फिर इसी तरह से मूंगफली है, मूंगफली भी क्षारीय है और गुड़ भी क्षारीय है, तो मूंगफली और गुड़ मिला के वो पट्टी आती है वो खाइए, बच्चों को खिलाइए। और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है गुड़ तिल के, गुड़ मूंगफली के, वो सब बनाइए। और ये जो 3-4 महीने हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है। तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहेगा। तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं, तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं। अब जानते हैं कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। दिवाली के आसपास के जो तीज त्योहार हैं,
नवंबर दिसंबर के या अक्टूबर नवंबर के, उनमें जो पकवान बन रहे हैं वो खास तरह के प्रिपरेशन है, बहुत गहरा विज्ञान। कभी मौका मिला तो इस पे अलग से ही बात करूंगा कि त्योहारों में पकाए जाने वाले जो व्यंजन हैं वो हमारे शरीर को किस तरह की मदद कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने, माने महर्षियों ने ये देखा कि जीवन के दिनों में, माने अगर ठंड के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोप ज्यादा है, बरसात के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोप ज्यादा है, गर्मी के दिन है तो शरीर में कौन सा प्रकोप ज्यादा, प्रकोप माने वात पित्त कफ, ये तीन ही तरह के, तो उनको संयमित रखने के लिए कौन सी चीजें प्रकृति ने दी हैं, तो व्यंजनों में वही चीजें डाली गई हैं। जैसे अब मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करता हूं, ये बात अमूर्त है लेकिन अब थोड़ी मूर्त करता हूं। सर्दी के दिनों में जितने भी त्योहार आप मनाते हैं या जितने भी त्योहारों में आप अपने जीवन को लगाते हैं, ये सब त्योहारों में आप देखो भोजन ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से गरिष्ठ होता है। प्रिपरेशन कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आप तिल खा रहे हैं, सर्दी के दिनों में भरपूर तिल खाया जाता है और तिल के तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अड़दिया खाया जाता है, अड़दिया दुनिया का इससे अच्छा शायद कोई पकवान ना हो, अड़दिया जिसको कहा जाता है, उड़द की दाल का बनता है अड़दिया। ऐसे ही राजस्थान के कुछ इलाकों में विशेष पकवान है, ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ पकवान है, लेकिन अगर महसूस करें तो ये सब भारी है, भारी गुरुत्व है इसमें। बागभट्ट जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, गुरुत्व वाले पदार्थ, माने भारी है, आसानी से नहीं पचते, धीरे धीरे पचते। अड़दिया तो आसानी से नहीं पचेगा, तिल की चीजें भी आसानी से नहीं पचने वाली है, लेकिन जिन दिनों में हम ये खा रहे हैं उन दिनों में शरीर के लिए यही अच्छा है कि कोई चीज आसानी से ना पचे, धीरे धीरे पचे, देर में पचे। क्यों? अब ये ठंडी के दिन होते हैं तो ठंडी के दिनों में शरीर में पित्त जो है ना थोड़ा कम होता है, पित्त थोड़ा कम होगा, वात ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा ठंड के दिनों। अब कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अग्नि पर है, अब कफ का असर जठर अग्नि पर है तो जठर अग्नि भी थोड़ी कम रहती है, थोड़ी, जो गर्मियों के दिनों में वो भड़कती है उतनी नहीं होती। तो अगर आपकी जठर अग्नि कुछ कम है, कफ के प्रभाव में है, तो आप भोजन भी ऐसे खाइए जो तुरंत पचने वाले नहीं है, धीरे धीरे पचने वाले हैं, ताकि जठर अग्नि उसके साथ मेल कर ले अपनी गति का। ऐसे समझ लो जठर की गति कम होती है तो खाया जाने वाला खाना भी कम गति से पचने वाला हो तो बहुत अच्छा है। तो सोच समझ कर ये तय किया गया कि सर्दी के दिनों में तिल खाना है, सर्दी के दिनों में मूंगफली खानी है, सर्दी के दिनों में गुड़ खाना है, सर्दी के दिनों में घी सबसे ज्यादा खाया जाता है, और आपने अक्सर वैद्यों से सुना होगा सेहत बनानी है तो यही दिन सबसे अच्छे हैं, माने खूब अच्छा अच्छा खाओ, और भगवान का दिया हुआ भी इन महीनों में भरपूर होता है, तिल भी इन्हीं महीनों में आते हैं, मूंगफली भी नई इन्हीं महीनों में आती है, चने भी इन महीनों में नए आते हैं, तो अच्छा खाना खाने का समय यही माना जाता है सर्दियों का। और अच्छा खाना वो जो गुरुत्व वाला है, गुरुत्व वाला वो जो थोड़ा धीरे 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 पचता है। तो कितना बड़ा मेल बिठाकर हमारे लोगों ने हमारे व्यंजनों को त्योहारों के साथ जोड़ा। आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है। शरीर की जो एसिडिटी होती है ना, रक्त की एसिडिटी, एक होती है पेट की एसिडिटी, उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी। खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है। तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है। तो आज आप काढ़ा पियेंगे अर्जुन की छाल का। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर जनवरी और नवंबर, ये वात का ही समय है। शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है, उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है जी। नहीं, गरम गरम गरम, क्योंकि वो औषधि है, भोजन नहीं है। भोजन और औषधि में अंतर बताया, भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं। औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पिए। तो ये काढ़ा औषधि है, सुबह के
अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने हैं जो वात के महीने माने जाते हैं, फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं, फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है, तो ये वात पित्त कफ के महीने भी होते हैं, जैसे शरीर है वैसे मन। तो इस महीने के हिसाब से सुबह काढ़ा पी सकते हैं, वात को दूर करने वाली औषधियों का दूध मिलाकर, और गर्म काढ़ा सभी गर्म है, ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं। तो आप सुबह दूध पीना ही चाहते हैं तो काढ़े के रूप में पीजिए, माने सुबह दूध पीना ही है ना तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए, तो दो फायदे होंगे भविष्य के लिए, आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी भविष्य के लिए, और अब तक आपने जो कचरा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी, क्योंकि ये जो अर्जुन की छाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है, और कचरा रक्त में ही सबसे ज्यादा जमा होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना वो कचरा ही है। तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर, तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजिए, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप सब अपने घर में तीन महीने, ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया लेकिन जनवरी अभी बाकी है, तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए, और अगले साल का याद रखिए नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है, और अगले सालों की गारंटी हार्ट अटैक फ्री। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, एक गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच माने टी स्पून, और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा, गुड़ नहीं मिले तो एक गुड़ जैसी चीज आती है काकवी, आप समझते हैं, गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है वो, तरल गुड़ होता है, तरल गुड़ लिक्विड फॉर्म का गुड़ वो काकवी कहलाता है, तो या तो काकवी या तो गुड़, नहीं मिले तो खांड आप समझते हैं, और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा, शक्कर नहीं, क्योंकि बागवती जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर बनती नहीं थी 3,500 साल पहले, गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था, चीनी बनना 200-250 साल से शुरू हुआ है। जी मिश्री, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता, मिश्री मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है, गुड़ से भी ऊंची है मिश्री, तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अर्जुन की छाल और दूध के काढ़े में, नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काकवी डालिए, नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए, और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं है। सौंठ है तो बहुत अच्छा है, सौंठ जो है अर्जुन छाल सौंठ अगर मिला के उपयोग करें तो सर्वोत्तम वातनाशक काढ़ा होता है, सर्वोत्तम। अर्जुन छाल और सौंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का, तो वात के रोगी तो जरूर पिए इसको। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।